सभी किसान भाइयों को राम राम। किसान भाइयों, ये आप सरसों की जो फसल देख रहे हैं, ये हमारी हो चुकी है लगभग 65 दिन की। किसान भाइयों, 2 महीना और ऊपर कुछ दिन हो चुके हैं, और अगर मैं इसकी बात करूं कि इसमें हमने कितनी दवाई का स्प्रे किया है, तो किसान भाइयों, हमने सिर्फ 1 स्प्रे इसमें दवाई का किया है। किसान भाइयों, सरसों का काफ़ी फ़ायदे की खेती होती है। अगर मैं इसकी वैरायटी की बात करूं तो ये है स्पाइनियर 45S47, जो कि अभी ये इस बीच का टेस्टिंग चल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी निकल कर आई। और किसान साथियों, सरसों की काफ़ी वेराइटियाँ है, मैं हर साल डिफरेंट वेराइटियाँ बोता हूँ। पिछले साल हमने किसान भाइयों इसी ज़मीन में पीली सरसों बोई थी, तो उसका भी उत्पादन काफ़ी अच्छा देखने को मिला। और किसान को एक ही फसल हर बार नहीं बोनी चाहिए, ये सच्चाई है, क्योंकि अगर एक ही फसल आप बार बार बोओगे तो उसमें आपको घाटा होगा, उत्पादन इतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। ये किसान भाइयों, मैंने खुद उसका अनुभव किया है। किसान भाइयों, सरसों में अगर आप लेट बोते हो तो उसका एक ही नुकसान होता है, उसमें मोइला का अटैक ज़्यादा होता है, उसमें दवाई का स्प्रे करना पड़ता है, जिसमें अपनी फसल को नुकसान पहुंचती है। जितनी बार आप दवाई का स्प्रे करोगे वो पौधे आपके टूट जाएंगे। तो जितना हो जितना जल्दी आप इसकी बुआई करें। और किसान भाइयों, हमारे क्षेत्र में हमारी सरसों सबसे अगेती है, जिसका फ़ायदा भी हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज की तारीख तक हमने सिर्फ 1 दवाई का स्प्रे किया था, और उसके बाद जो पौधे एकदम से हाइट ली वो देखने लायक थी। किसान भाइयों, सरसों में हमने 2 बार यूरिया दिया है, कई किसान 1 बार देते हैं, क्योंकि अगर आप फर्स्ट साल बो रहे हो तो 1 बार यूरिया दोगे, और अगर आप उसी खेत में दूसरी बार सरसों बो रहे हो तो आप 2 बार यूरिया देंगे, क्योंकि सरसों से ज़मीन थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, ऐसा काफ़ी पुराने किसान भाई बोलते हैं, तो आप विशेष ध्यान रखिए। किसान भाइयों, मैंने लगभग 10 बीघे का सरसों बोया है, जिसकी मैं वीडियो समय समय पर आपको देता रहता हूँ, और इसका हार्वेस्टिंग करेंगे उसकी वीडियो भी आएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर कोई जानकारी किसान भाइयों छूट जाती है तो मैं अगली वीडियो में देने की कोशिश करता हूँ। और किसान भाई, ये सरसों भी अपनी ही है, देख सकते हैं, किसान भाइयों में 4 पानी इसमें दिया है, और हमारा राजस्थान का क्षेत्र है तो इसमें पानी थोड़ी कम ही मिलता है, इसलिए सरसों हमें बोनी पड़ती है, और मुझे तो काफ़ी फायदे की खेती लगी। अगर किसान भाइयों, अगर आप कुछ नई वेराइटियाँ मतलब खेती करना चाहते हो तो एक बार खेत में सरसों ज़रूर बोएं, जिससे आपको लगेगा कि किसान भाइयों खेती हो रही है, क्योंकि खेत काफ़ी भरा हुआ नज़र आता है सरसों की खेती से। तो आप एक बार ज़रूर करें। और किसान भाइयों, इसमें खर्चा कुछ नहीं होता है, एक समय बाद आपको मतलब 2 महीने इसमें सिर्फ मेहनत करनी पड़ती है किसान भाइयों, उसके बाद आप छोड़ दो, इसको पिलाने की भी ज़रूरत नहीं, पूरी हो जाती है। तो हमारे राजस्थान में तो ये प्रमुख रूप से बोई जाती है, कई कई किसान मतलब बरसात के समय में ही डाल देते हैं, जो पानी भी पिलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपना अपना एक तरीका है खेती करने का किसान साथियों। तो यही थी एक वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो
चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने किसान मित्रों के साथ शेयर करना। धन्यवाद, जुड़े रहिए।